मॉर्निंग बेटा बेटा, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, वी विल स्टडी अबाउट एंजाइम कैटालिसिस. ठीक है, इससे पहले बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा हमने कैटलिस्ट पूरा कर लिया. आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में. तो देखो, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. एंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट. बायो कैटलिस्ट मीन्स दीज आर यूज टू कैटलाइज द बायोलॉजिकल प्रोसेस. दीज आर यूज्ड टू कैटलाइज द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, तो वो हमारे क्या हैं? एंजाइम. तो हम बोल सकते हैं एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट विच आर यूज टू कैटलाइज द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, अगर हम देखें बेटा तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स मीन्स इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कॉम्प्लिकेट होगा. कॉम्प्लेक्स मीन्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लिकेट. नाइट्रोजिनस मीन्स बेटा एंजाइम्स के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. ओके, तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम. तो मैंने तुम्हें क्या बताया? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. बायो कैटलिस्ट मीन्स दे कैटलाइज द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, तो एंजाइम्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, एंजाइम्स जो होंगी बेटा, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. इट मीन्स एंजाइम्स आर फॉर्मड बाय प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर फॉर्मड बाय अमाइनो एसिड. यस और नो? भाई अमाइनो एसिड ही तो आपस में लिंक करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स. ठीक है, जो एंजाइम होंगे बेटा, एंजाइम कैन कैटलाइज्ड ए पर्टिकुलर रिएक्शन. मीन्स एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम लेते हैं. इट मीन्स ये क्या है? इट मीन्स दे आर गुड कैटलिस्ट. एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, इसलिए हम एंजाइम को एक अच्छा कैटलिस्ट भी बोल देते हैं. ओके, तो मैंने तुम्हें जनरल बताया एंजाइम्स क्या है. तुमसे कोई पूछ ले व्हाट आर एंजाइम्स, तो तुम क्या कहोगे? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. दे आर यूज टू कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शंस. जनरली एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर यूज एज ए गुड कैटलिस्ट. और एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. इनका नेचर कैसा है? प्रोटीनियस है. मीन्स दे आर फॉर्मड बाय अमाइनो एसिड. ओके, अब बेटा देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई. एंजाइम कैन कैटलाइज ए पर्टिकुलर रिएक्शन. एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर हमें एंजाइम लेना पड़ेगा. देखो कैसे, जैसे मैंने तुमसे कहा इन्वर्जन ऑफ केन सुगर. मैंने कहा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवा रही हूँ जो हमें एनसीईआरटी में दिए हुए बेटा. इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ये हम शायद पहले पढ़ चुके हैं शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में, केमिकल काइनेटिक्स में. यस और नो? केन सुगर मीन्स सुक्रोज. सुक्रोज इज नोन एज केन सुगर. इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की एक्वस मीडियम में. तो यहां से हमें क्या मिलता है बेटा? यहां से हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तो ये सुक्रोज स्टार्टिंग में कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है, इट मीन्स इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में.
अब ये हाइड्रोलाइज होता है तो ग्लूकोज, ये तो डेक्स्ट्रो, लेकिन फ्रक्टोज लीवो, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन का, वो ज्यादा होता है किससे? डेक्स्ट्रो से। तो सुक्रोज का क्या हो गया? इनवर्स, ठीक है। अब इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? तो बेटा फॉर द डिकम्पोजिशन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज वी कैन नीड द एंजाइम इनवर्टेस। कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? इनवर्टेस। बेटा किसी भी कंपाउंड के नेम के बाद में अगर ए एस ई आ जाए, इट मीन्स ये क्या है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। एंड दीज एंजाइम्स बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, दे बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो, अब सुक्रोज का हमें इनवर्स, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना था, तो यहाँ इस रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही चाहिए, इनवर्टेज, और किसी एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इसको ब्रेक डाउन करना है इथाइल एल्कोहल प्लस CO2, तो बेटा इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए जाइमेज, ठीक है। तो ये एंजाइम तुम्हें कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं तुमसे ये कहूँ बेटा तुम्हारे पास स्टार्च है और स्टार्च को तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें? माल्टोज में। अब इन स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है बेटा, ये हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। और यहाँ से हमें क्या बनाना है? माल्टोज। माल्टोज मीन्स C12H22O11। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम क्या चाहिए? डाइस्टेज। क्या चाहिए? डाइस्टेज। अब इस माल्टोज, माल्टोज बन गया, इसका ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज में, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया था? माल्टोज। इस माल्टोज का ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज में, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? माल्टेज। ओके, क्लियर हुआ बेटा? एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए डाइस्टेज, और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? माल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? माल्टेज। ओके, आगे देखो बेटा, यूरिया, यस और नो? यूरिया, अगर यूरी, अब बेटा ये जो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है ये मोस्टली कहाँ होती है? लिविंग बॉडीज के अंदर होती है, यस और नो? यूरिया है, यूरिया का ब्रेक डाउन करना है किसमें? अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है यूरिया का? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो यहां हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? हमें एंजाइम चाहिए यूरिएज। क्या चाहिए? यूरिएज। ओके, अगर बेटा प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना है अमाइनो एसिड में, कहां पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना है? सॉरी बेटा, प्रोटीन का पहले ब्रेक डाउन कर देते हैं पेप्टाइड में। प्रोटीन का ब्रेक डाउन पेप्टाइड में, ये रिएक्शन कहां होती है? स्टमक में। तो इस टाइम इसको कौन सा एंजाइम चाहिए? पेप्सिन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोटीन को कन्वर्ट करना है पेप्टाइड में, और कहां पे? स्टमक में। तो कौन सा एंजाइम चाहिए? पेप्सिन। ओके, लेकिन अगर प्रोटीन को हमें कन्वर्ट करना हो, प्रोटीन को कन्वर्ट करना हो अमाइनो एसिड में, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, और ये ब्रेक डाउन कहां होगा बेटा? इंटेस्टाइन में। कहां पे? इंटेस्टाइन में। तो हमें यहां कौन सा एंजाइम चाहिए? तो यहां हमें चाहिए ट्रिप्सिन। क्या चाहिए? ट्रिप्सिन। घर में देखो बेटा, हम दूध होते हैं, दूध, दूध से हम दही बनाते हैं, तो दूध से दही बनाने के लिए हम उसमें पहले थोड़ा सा दही डालते हैं ना, क्यों? क्योंकि उस दही में एक एंजाइम होता है, कौन सा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, समझ आया ये? तो ये मैंने तुम्हें जनरल बताया कि कौन कौन से रिएक्शंस के लिए हमें क्या क्या एंजाइम चाहिए, ठीक है बेटा। ये एंजाइम्स तो तुम्हें कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। अभी तो हमने देखा सिर्फ कि एंजाइम्स क्या हैं और पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कौन कौन से एंजाइम चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। फर्स्ट होती है बेटा एफिशिएंसी। एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, एंजाइम्स आर हाईली
एफिशिएंट इन नेचर। मींस एंजाइम क्या होते हैं बेटा, एंजाइम कैटलाइज कर देते हैं रिएक्शन को, मींस रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। जनरली कहा जाता है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन इंक्रीज ए रेट ऑफ रिएक्शन बाय मिलियन टाइम्स। एक छोटा सा एंजाइम का टुकड़ा मिलियंस टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। देखो इसका एग्जांपल बेटा, हमारी आरबीसी में कार्बोनिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है टू गिव H2O+CO2। तो यहां देखो, अगर हम इस रिएक्शन में कोई भी एंजाइम नहीं करेंगे तो इसका रिएक्शन का रेट बहुत कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंजाइम यूज कर लेते हैं, कौन सा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या एंजाइम यूज कर लिया बेटा हमने, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ठीक है। ये एंजाइम जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये हमारी आरबीसी में भी प्रेजेंट है। कहाँ पे, आरबीसी में। और इस एंजाइम को यूज करने के लिए अगर हमने ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम यूज कर लिया तो इस कार्बोनिक एसिड का डिकम्पोजिशन 36 मिलियन मॉलिक्यूल, क्या होता है, 36 मिलियन मॉलिक्यूल को कैटेलाइज कर देता है एक मिनट में, ठीक है। देखो एंजाइम यूज नहीं किया तो रिएक्शन बहुत धीरे हो रही थी, लेकिन हमने एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो हमारी आरबीसी में प्रेजेंट है उसको यूज कर लिया तो ये एक मिनट में 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, वाटर प्लस CO2। ओके, एंजाइम क्या बेटा, हाईली एफिशिएंट है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा टाइम इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे बेटा स्पेसिफिक नेचर। तो बेटा एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये पॉइंट मैं तुम्हें पीछे बता चुकी, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। क्यों भाई, मैंने बताया था ना, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन ए पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटेलाइज, यस और नो, मैंने बताया था ना। इट मीन्स ए पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटेलाइज ए पर्टिकुलर रिएक्शन। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा माल्टोज का ब्रेकडाउन करना है ग्लूकोज में, तो यहां ऐसा नहीं है, तुम कोई भी एंजाइम यूज कर लो, तुम्हें स्पेसिफिक कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा, माल्टेज। क्या यूज करना पड़ेगा, माल्टेज। तो यहां से हमें पता चलता है एंजाइम हमारे कैसे होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, अब हम आगे हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट बेटा, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स कैन वर्क एट ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर एंड पीएच पे काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, मैंने क्या बताया, एंजाइम कैन वर्क एट ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है भाई। ऐसा क्यों होता है बेटा, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर एंड पीएच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम। अगर हम इससे कम टेम्परेचर करेंगे तो भी एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम डीनेचुरड हो जाएंगे, मींस हाई टेम्परेचर पे एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा कोई भी जो एंजाइम है वो ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे काम करता है। तो हम देखेंगे ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर की क्या होती है, तो ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो बेटा ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच तो वो होती है बेटा 5 to 7। ये हमारी क्या है, ऑप्टिमम रेंज। अगर हम बात करें बेटा ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी, बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स बेटा द टेम्परेचर एट विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम
टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, मैक्सिमम। अगर हम टेम्परेचर इससे कम कर देंगे तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ज्यादा कर देंगे तो भी कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के लिए ऑप्टिमम पीएच कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी कितनी होनी चाहिए बेटा, 7.4। कितनी होनी चाहिए, 7.4। क्लियर हुआ ही? किसी को प्रॉब्लम इसमें भाई? तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया एंजाइम्स क्या हैं। मैंने बताया बेटा तुम्हें कि एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, मीन्स दे कैन कैटलाइज बायोलॉजिकल प्रोसेस। एंजाइम्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जो हम लिविंग प्लांट्स और एनिमल सिंथेसाइज करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, यस और नो? मींस हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए। जैसे मैं कहूँ इन्वर्जन ऑफ केन सुगर तो तुम कहोगे इन्वर्टेज, मैं कहूंगी ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए डाइस्टेज, स्टार्च को माल्टेज में करने के लिए डाइस्टेज, माल्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए माल्टेज, यूरिया से अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए यूरिएज, स्टमक के अंदर प्रोटीन से पेप्टाइड बनाने के लिए पेप्सिन, और इंटेस्टाइन में प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाने के लिए ट्रिप्सिन, और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस। फिर मैंने बताया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम आर हाईली एफिशिएंसी, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज मिलियंस ऑफ रिएक्शन, यस और नो? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, मींस फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन ए पर्टिकुलर एंजाइम इज रिक्वायर्ड। जैसे मैं तुमसे कहूं कि मुझे ब्रेक डाउन करना है स्टार्च को माल्टेज में, तो वहां पे तो मुझे पर्टिकुलर डाइस्टेज ही चाहिए, वहां कोई और एंजाइम यूज नहीं कर सकते। एंजाइम एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे काम करते हैं। ऑप्टिमम रेंज मींस उसके ऊपर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उससे कम करेंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, इंक्रीज करेंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज। फॉर ह्यूमन बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 25 to 37 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच इज 5 to 7। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी इट विल बी 7.4। ओके, क्लियर हुआ बेटा ये? लास्ट एक पॉइंट और देख लो, एंजाइम्स फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। अगर हम एंजाइम को वाटर में ऐड करेंगे तो एंजाइम कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, एंजाइम फॉर्म्स कोलोइडल सॉल्यूशन। बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, एंजाइम्स फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर। क्लियर हुआ ये? थैंक यू।